तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे BS6 सेमेस्टर के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के MCQ टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी उनका सब्जेक्ट होम साइंस यानी गृह विज्ञान है, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए खास करके महत्वपूर्ण होने वाली जिनकी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में परीक्षाएँ MCQ बेस पर होने वाली, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, MCQ मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन वाले, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आपका सब्जेक्ट मेजर है तब भी महत्वपूर्ण है, अगर माइनर है तब भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला और प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आहार चिकित्सा का कौन सा एक हिस्सा नहीं है इन ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा गया, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रोगी के लिए रोगी को दवाई देना। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ये मतलब कि ये क्या है, आहार चिकित्सा जो है इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि ये दवाई से संबंधित है। ठीक है, आहार चिकित्सा का मतलब हो गया भोजन से संबंधित, आहार से संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा रोगी के लिए रोगी को दवाई देना, यही वाला सही होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है, इस वजह से यही होगा सही। ठीक है, अगला है कि आहार यानी जो खाना खाते हैं उसकी चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसकी प्राथमिक जो मतलब कि आहार चिकित्सा का जो सबसे पहला उद्देश्य है, सबसे पहला लक्ष्य है, वो है कि पोषण के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, जो आपको ज़रूरत है जिस भी पोषण की, जिस भी वातावरण की, ठीक है, उसके माध्यम से आप अपने हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकें। सही उत्तर सा नंबर होगा। अगला है कि चिकित्सीय आहार शब्द का तात्पर्य क्या है। तो चिकित्सीय आहार शब्द का जो तात्पर्य है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है भी है। इसका जो मतलब होता, अर्थ होता है कि फिर चिकित्सीय स्थिति के उपचार के लिए निर्धारित आहार, यानी कि ध्यान से सुनेंगे, किसी चिकित्सीय स्थिति के उपचार के लिए निर्धारित जो आपका आहार है वो लेना चाहिए, वही होता है चिकित्सित आहार शब्द का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को प्राथमिक स्रोत देता, मतलब कि सबसे पहला, सबसे प्रथम स्रोत कौन सा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है, कार्बोज। ठीक है, तो कार्बोज एक पोषक तत्व है जो शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ध्यान रखेंगे प्राथमिक सूत्र है, आ नंबर सही उत्तर होगा कार्बोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार में कैलोरी प्रतिबंध शब्द का क्या अर्थ है। तो आहार चिकित्सा में कैलोरी प्रतिबंध शब्द का जो अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे, वो होता है दैनिक कैलोरी सेवन कम करना, यानी कि प्रतिदिन कैलोरी का सेवन कम किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औसतन मतलब कि नॉर्मल एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके लिए पानी की अनुशासिक दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए, मतलब कि एक औसत यानी नॉर्मल व्यक्ति दिन भर में कितना पानी उसको पीना चाहिए। तो सही उत्तर इसका आपको बताना, अगर आपको मालूम तो बताइएगा। तो कम से कम 2 लीटर, हो सके तो 3 लीटर, नहीं तो 2 लीटर तो कम से कम। ठीक है, इससे आपको पेट संबंधित ज़्यादा बीमारी नहीं होंगी, ये जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, पानी अधिक पीने से आपको पानी की कमी नहीं पड़ेगी, कभी आपका पेट गड़बड़ नहीं रहेगा, और प्लस आपकी जो स्टोन यानी कि मतलब कि किडनी से संबंधित कोई बीमारी तो वो नहीं रहेगी। ये पूरा आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, कि पानी क्यों ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर, सही उत्तर इसका हो जाएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इसका नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे आहार को क्या कहते हैं जिसमें मांस, डेयरी और अंडे सहित सभी पशु उत्पाद शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, सही उत्तर इसका हो जाएगा, बताइए अगर आपको कमेंट सेक्शन में मालूम तो जरूर बता सकते हैं। ठीक है, शाकाहारी भोजन या फिर शाकाहारी आहार। अगला प्रश्न है कि चिकित्सीय आहार क्या है या फिर चिकित्सीय आहार कौन सा है इन ऑप्शनों में से। तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा चिकित्सीय आहार होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये कोई भी सही उत्तर नहीं, चिकित्सीय आहार इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला कि फास्ट फूड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो आप लोग आज फास्ट फूड खाते हैं,
चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, ये सब जो चीज़ें आप लोग फास्ट फूड खाते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटेन से हुई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से हुई थी। आ नंबर सही जवाब होगा। फास्ट फूड की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1860 के दशक। द नंबर सही जवाब होगा। अगला कि फास्ट फूड शब्द का मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा कब मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जोड़ा फास्ट फूड बनाने में औसतन कितना समय व्यतीत या फिर लगता है, ठीक है, समय व्यतीत करता है। तो मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जोड़ा फास्ट फूड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको जो समय मिलेगा, मतलब कि समय लगेगा, फिर समय व्यतीत करता है, ठीक है, वो करता है, ध्यान रखेंगे, 47 मिनट। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि फास्ट फूड सर्विसिंग में कितने अमेरिकी नागरिक कार्यरत हैं? तो फास्ट फूड जो ये सर्विसिंग है, इसमें जो अमेरिकन नागरिक हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो संख्या है करीब करीब 4.7 मिलियन है, यानी करीब करीब 47 लाख के करीब, ठीक है। और ये कोई ये यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 47 मिनट है, लेकिन आज आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में फास्ट फूड मुश्किल से 5 या 10 मिनट में तैयार करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता, पूरी तरह पकता ही नहीं, ठीक है, इसलिए काफ़ी लोगों को समस्याएं भी होती हैं। तो ध्यान रखेंगे 47 लाख लोग जो हैं वो फास्ट फूड सर्विसिंग में काम करते हैं अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए किस प्रकार है? तो ध्यान रखेंगे फास्ट फूड जो हमारे शरीर के लिए है वो नुकसानदेह है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, याद रखेंगे। अगला कि फास्ट फूड एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें होता है, क्या होता है? तो फास्ट फूड एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें होता है, ठीक है, संतप्त वसा भी होती है, अधिक बैग कैलोरी भी होती है, अधिक मात्रा में शुगर भी होती है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, द नंबर। अगला क्वेश्चन है कि फास्ट फूड खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो इन आप हालांकि बीमारी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इन ऑप्शनों की बात की जाए कि फास्ट फूड खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो पहली बात तो मोटापा हो जाता है, पाचन संबंधित यानी कि पेट संबंधित समस्याएँ हो जाती हैं, हृदय संबंधित जान मतलब कि समस्याएँ हो जाती हैं, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा इनमें से सभी या फिर उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि सैंडविच, पिज्ज़ा, मोमोज आदि उदाहरण हैं किस चीज़ के? तो ये सब जो उदाहरण है वो फास्ट फूड के उदाहरण है, सही जवाब आ होगा आएगा। अगला है कि चिप्स, पैकेट बंद सैंडविच, कुरकुरे आदि उदाहरण हैं किस चीज़ का? तो जान लीजिए, अगर आज आप तक अगर आपको नहीं मालूम था आज तक, तो जान लीजिए ये सब क्या हैं, जंक फूड के उदाहरण हैं, ठीक है। फास्ट फूड, जंक फूड, ये बहुत ही शरीर के लिए मतलब नुकसानदेह होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नुकसान आजकल के जो युवा हैं, खास करके बच्चे जिनको नहीं नॉलेज है, वो कहते हैं कि खाते पीते रहो, जो होगा देखा जाएगा, तो वो लोग इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते, इसलिए उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये सब कोई नहीं ध्यान देता, वो उनको मिलना चाहिए बस बीमारी बाद में, चाहे जो भी हो जाए। अगला कि जंक फूड और फास्ट फूड में सोडियम की मात्रा कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है सोडियम की मात्रा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कि खान पान संस्कृत में बड़ा बदलाव कब से आया है, यानी कि हमारे रीति रिवाज में, कल्चर में, खान पीन में बहुत बड़ा बदलाव कितने वर्ष पहले से शुरू हुआ है, या फिर कितने वर्ष पहले इसमें बदलाव आया है, कब से? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से 15 वर्षों से इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जंक फूड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? तो जो आप लोग जंक फूड खाते हैं, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा शुगर पाया जाता है, ठीक है, और सेचूरेटेड फैट पाया होता है, ज़्यादा नमक भी होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों में। तो ध्यान रखेंगे, यानी जो आप लोग देखते हैं कुरकुरा खाते हैं आप सभी, ठीक है, और सैंडविच खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पैकेट वाइज जितने भी चीज़ें जहाँ खाते हैं उसमें आप वो सब चीज़ें जंक फूड होते हैं, तो जंक फूड में इनकी जो मात्रा होती है, नमक भी पाया जाता है, एक्स्ट्रा शुगर भी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? तो पाव भाजी जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग इसको खाना पसंद करते हैं? ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला है कि बिस्कुट, चॉकलेट, कैंडी, मीठे ड्रिंक्स, तले हुए पैक्ड स्नैक्स, केक आदि जो हैं ये किस चीज़ के उदाहरण हैं। तो 24 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सब है जंक फूड के उदाहरण, ध्यान रखेंगे आ नंबर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट फूड में प्रोटीन, विटामिन, फाइनर आदि पोषक तत्वों की प्रचुरता अधिक होती है या फिर प्रचुरता होती है, कमी होती है, क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे फास्ट फूड में प्रोटीन, विटामिन और फाइनर आदि पोषक तत्वों की जो होती है वो होती कमी होती है, सही जवाब सा नंबर हो जाएगा। अगला कि जंक फूड की अधिकता वाले आहार से उत्पन्न होती है कि कौन सी चीज़ें। तो जो अधिक जंक फूड वाली चीज़ें होती हैं खाने योग्य जो होती हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है, आहार में उत्पन्न जो होती हैं वो होती हैं आपकी पाचन संबंधी समस्याएँ, हृदय रोग और स्ट्रोक, मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, इसमें से सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा द, क्योंकि सभी होती हैं, तो ठीक है द नंबर। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम कौन से विद्वान ने किया है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगल, द नंबर नंबर सही जवाब होगा। अगला कि आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं। तो आहारीय चिकित्सा के जो उद्देश्य हैं वो है शरीर के प्रभावित अंगों को विश्राम प्रदान करना, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि आहार चिकित्सा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि रोगी की आर्थिक स्थिति जानना, इलाज पूर्व सारी स्थिति का पता लगाना, आहार सामान्य आहार से भिन्न हो, ये सभी चीज़ें आहार चिकित्सा सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, इसलिए सही जवाब इसका द हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसका योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा परिचारिका, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है, यानी कि परिचारिका का योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस आहार में परस्पर भोज्य पदार्थ को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सही जवाब इसका हो जाएगा ठीक है मृदु आहार में, ठीक है, परस्पर भोज्य पदार्थ को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि चिकित्सीय आहार आयोजन करते समय किन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है या फिर आवश्यक है, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है भी आप सभी के एग्जाम के लिए। रखना है चिकित्सीय आहार आयोजन करते समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो ऊपर दिए गए सभी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, रोग का प्रकार, रोग की अवधि, रोग अनुसार भोज्य पदार्थ की चुनाव करना, मतलब कि उसको सिलेक्ट करना, ये सब जरूरी होता है। अगला कि चिकित्सीय आहार हैं, तो इन ऑप्शनों में से जो चिकित्सीय आहार है वो है सभी हैं तरल आहार, मुलायम आहार, सादा आहार, ये सब चिकित्सीय आहार है। अगला कि तरल आहार का उदाहरण क्या है, यानी कि तरल चीज़ें जो खाई जाती है उसका उदाहरण कौन सा है। तो 34 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नारियल पानी, ठीक है। मतलब तो आहार, ठीक है, ब्लेंड डाइट में सम्मिलित नहीं है कौन सी चीज़, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल का पानी, इन ऑप्शन में से सही होगा दाल का पानी। अगला प्रश्न है कि वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, उपचारात्मक आहार, ध्यान रखेंगे आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि जब रोगी तरल पदार्थ को भी मुँह द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता है तब वह किस द्वारा भोजन दिया जाता है इंसान को, तो ध्यान रखेंगे सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नलिका द्वारा, ठीक है। जब रोगी तरल पदार्थ को भी मुंह द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता किसी भी वजह से तो नलिका द्वारा भोजन दिया जाता है, ठीक है, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अंतः शिराओं द्वारा भोजन दिया जाता है, तो अंतः शिराओं द्वारा जो भोजन दिया जाता है वो आमाशय तथा आंत के किसी भाग में शल्यक्रिया होने पर, मुंह तथा ग्रसनली में कैंसर होने पर, यकृत फेल होने पर, इन सभी सिराओं द्वारा भोजन दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, प्रोटीन से सभी, ठीक है।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जब भी परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव बेस पे होगी होम साइंस की, तो ठीक है। और ये PDF अगर आपको लेना है तो आप हमें टेली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, या आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी जय हिंद।